हेलो माय डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी क्लासेस ऑनलाइन कंटिन्यू रहेंगी ये आपको पता चल चुका होगा कि नाइन्थ और इलेवेंथ के स्कूल शायद रीओपन ना किए जाएं सो गाइज़ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए क्योंकि एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम तो होने हैं तो पढ़ाई ऑनलाइन ही अभी चलेगी ठीक है और अब बात करते हैं पढ़ाई की तो आज आपको कार्यपत्रक छिहत्तर दिया गया है ये 22 जनवरी 2021 के लिए आपको दिया जाएगा तो प्यारों बच्चों पहले हम इसमें पढ़ेंगे गद्यांश को उसके बाद जो हमारा पाठ चल रहा था और फिर प्रश्नों को हल करेंगे प्यारे बच्चों आओ इस गद्यांश को पढ़ें मेरे संग की औरतें देखिए यहाँ पर मेरे संग की औरतें ये जो लेखिका हैं लेखिका ने इस पूरे काव्य में ये पूरे सारांश में पूरी पाठ में क्या किया है अपनी जो उनकी यादें हैं पुरानी पुरानी यादों के बारे में बताया है और वो सारी यादें उन्होंने महिलाओं को जोड़कर रखी है मतलब वहां पे वो अपनी नानी के बारे में बता रही हैं अपनी माता जी के बारे में बता रही हैं ज्यादातर उसमें जो उनकी यादों में उन्होंने जो फीमेल है उनको हीरो दिखाया है हीरोइन कह सकते हैं ठीक है जो फाइट कर सकता है पाठ का अथवा अंश और इसी में जो ये पाठ है इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे फिर प्रश्नों के उत्तर देंगे माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि जैसे कि लास्ट वर्कशीट में हमने देखा था कि चोर घुस आते हैं उनकी माँ जी के कमरे में वो किस प्रकार से कितना रोचक का वो वाद विवाद था और वार्तालाप था तो आगे इसी में कर रहे हैं जी माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई देखिए अब लेखिका ने पहले तीन पीढ़ी के बारे में बता रही हैं सबसे पहले उन्होंने किसके बारे में बताया अपनी नानी जी के बारे में बताया कि किस प्रकार उनकी नानी जी कितनी स्वतंत्रता से नानियों को लेकर कितनी रिस्पेक्ट करती थी अपनी पुत्री का विवाह करवाना चाहती थी फिर वो बताती हैं अपनी माता जी के बारे में कि उनकी माता जी भी कितनी बहादुर थी अब वो अपनी जनरेशन के बारे में यानी अपने बारे में और अपनी बहनों के बारे में बता रही हैं तो वो कह रही हैं कि उनकी माता

की प्राप्ति होती है पुत्र का जन्म होता है तो लोग उत्सव मनाते हैं लेकिन अगर पुत्री का जन्म होता है तो कहते हैं कि पुत्री हुई है ठीक है इसी प्रकार अगर किसी के यहाँ दो तीन पुत्रियाँ होती हैं तो लोग उन्हें थोड़ा हीन भावना से देखने लगते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकती या ये हमारी सोसाइटी की मैंटिलिटी है वो कहती हैं कि हम किस्मत वाले थे कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही पहली लड़की पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी हुई थी वह मैं नहीं मेरी बड़ी बहन तो वो कह रही है कि पहली लड़की यानी जो तो मन्नत से हुई थी वो मैं नहीं थी मेरी बड़ी बहन थी तो इससे आपको ये पता चलता है कि लेखिका जो हैं वो क्या है दूसरे नंबर की पुत्री हैं उससे उनसे भी बड़ी एक बहन थी तो वो कह रही हैं मेरी बड़ी बहन मंजुल मंजुल थी मंजुल कौन है लेखिका की बड़ी बहन है घर का नाम था बाहर का मंजुल लेकिन आ, घर का नाम था लेकिन जैसे कि आप लोग को पता है कि सब लोग के हम लोग के घर के नाम घर का नाम रानी था और उनका रियल नाम मंजुल था किसका उनकी सिस्टर का जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग का घर पे एक निक नेम रख दिया जाता है जिससे हमें पुकारा जाता है और वास्तविक नाम जो हमारे स्कूल में होता है वो अलग होता है तो उनकी सिस्टर का भी मंजुल नाम था लेह का अवतार हुआ मंजुल भक्त क्योंकि लिखना लिखना सदी के बाद शुरू किया गया अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आई नहीं आई नहीं आई अब वो यहाँ पे कह रही हैं कि शादी के बाद क्या होता है अक्सर जो लड़कियाँ होती हैं उनका नाम बदल जाता है कैसे बदल जाता है उनका जो सर नेम होता है लड़कियों का उसमें पति का सरनेम जुड़ जाता है तो वो कह रही हैं अपना नाम बदल कर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आई ही नहीं ऐसा लगा ही नहीं कि गलत है इसलिए पैदाइशी जैन नान छोड़ भगत बनी भगत बनी मतलब कि उनकी बहन जो है उनने अपना सरनेम ले लिया अपने हस्बैंड का दूसरे नंबर पर मैथी घर का नाम उमा अब दूसरे नंबर पे वो किसके बारे में बता रही हैं अपने बारे में लेख का दूसरे नंबर की थी उनका नाम उबर उमा था और बाहर का मृदुला तो उनका नाम भी दो था जैसे उनकी बहन का नाम रानी और मंजुल वैसे ही उनका नाम उमा और मृदुला था मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया सो बतौर लेखिका नाम वाला मृदुला गई तो ये कह रही हैं कि जब शादी हो गई तो इन्होंने लिखना प्रारंभ किया और लिखने के बाद से ही इनकी ये कहानी आप पढ़ रहे हैं मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था कह रही है कि जब मैंने लिखना शुरू हुआ उससे पहले ही नारीवाद लड़कियों के बारे में बात होनी शुरू हुई थी शादी के बाद का नाम बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमने पूछा भी हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी इतनी पोंगापंथी पंथी क्यों हो इतनी पोंगापंथी पंथी क्यों हो नाम क्यों बदला कि हमसे भी पूछा जाता था कि भाई आप लेखिका हैं लेकिन फिर भी आपने नाम क्यों बदला नाम बदलने का मतलब सरनेम जो पीछे का नाम होता है एक मुख्य नाम होता है जैसे कि सुमन और इसके पीछे आप लगा देते हैं कोई भी सिंह शर्मा ठीक है तो जो ये नाम होता है वो बदल जाता है तो इनसे भी बोल के हमसे भी कई बार पूछा गया कि इन में ढकोसलों में पढ़ कर आपने क्यों बदला हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था और अब भी नहीं है कह रही हैं हमारे पास इसका कोई सही जवाब नहीं था एक लेखिका होने के नाते मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था और आज भी नहीं है पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा कह रही हैं कि हाँ ठीक है हमने नाम बदल लिया इसका हमारे पास कोई अच्छा सही सा जवाब भी नहीं है लेकिन मैंने इसका कोई ये भी नहीं देखा कि इससे मेरे व्यक्तित्व में कोई नुकसान आया है मुझे कोई परेशानी का सामना करना पड़ा या मेरी आज़ादी में कोई किसी भी तरह की रुकावट आई क्योंकि वो कह रही हैं वो शादी के बाद ही उन्होंने लिखना प्रारंभ किया तो ये एक रिवाज को भारत के बताने की कोशिश कर रही हैं अब आपको प्रश्न दिए गए हैं लेखका की चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार क्यों नहीं हुई किसी हीन भावना का शिकार क्यों नहीं हुई क्योंकि वो इसलिए कह रही हैं क्योंकि जो उनकी माँ की मन्नत का था या उनके घर का ऐसा वातावरण था लेखका के माता पिता की कितनी बेटियाँ थी अभी आपने ऊपर पढ़ा अभी हम हल करेंगे शादी के बाद का नाम बदलने का रिवाज कैसे शुरू हुआ और मन्नू भंडारी कौन है ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं साथ ही पांचवा प्रश्न आपको एक आप कह सकते हो एक टास्क की तरह दिया हुआ है शादी के बाद लड़कियों को अपना नाम बदल लेना चाहिए सोचिए और अपने विचार लिखिए देखिए इसे आप केवल लड़की से रिलेट करके मत देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो गर्ल्स हैं वो बोलेंगी कि वो इसको रिलेट कर पाएंगे कि शादी के बाद नाम बदलने से कितना प्रभाव पड़ता है या नहीं आपने क्लास टेन क्लास ट्वेल्व आगे पढ़ाई करेंगे सारे अपने डॉक्यूमेंटेशन में आपका एक नाम होगा आप नौकरी करेंगे एक नाम होगा शर्मा सिंह कुछ भी और शादी के बाद वो सरनेम बदल जाए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स से सोचिए जो आपने जिंदगी भर पढ़ाई की है सब जगह वो नाम सरनेम एक झटके में बदल सकता है शादी होने से तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है तो लड़कियां तो ऐसे रिलेट कर पाएंगी थोड़ा सा सोच के अब लड़के कैसे रिलेट करेंगे तो देखिए जो आपकी वाइफ बनेंगी वो सोचिए आपकी उम्र से लेकर आगे आने वाले दस साल वो उस नाम के साथ जी रही हैं और अचानक से उनका नाम सरनेम बदल दिया जाए तो कैसा महसूस होगा अगर आपके साथ ऐसा होता अगर आप लड़के हैं आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या फ़ील करते और आपको क्या लगता है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ठीक है यह आप बताएंगे और कोविड के संदर्भ में आप लोग के लिए संदेश है कि आप को मास्क जरूर पहनना है चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं सभी प्रश्नों का प्रश्न में पूछा है लेखिका की चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार क्यों नहीं हुई तो जैसा हमने अभी पढ़ा लेखिका की चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार माँ जी की मन्नत के कारण नहीं हुई लेखिका ने क्या कहा है कि उनकी मां जी की मन्नत के कारण वो सब हीन भावना का शिकार नहीं हुई लेखिका के माता पिता की कितनी बेटियां थी तो लेखिका के माता पिता की पांच बेटियां थी क्योंकि लेखिका ने कहा है कि मेरी मेरे सहित मेरी चार बहनें तो चार उनकी बहनें प्लस लेखिका तो कितनी हो गई पांच बेटियां थी तीसरे में बोला है शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज कैसे शुरू हुआ तो नारीवाद के चलन का शुरू होने के पश्चात ही शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज शुरू हुआ तो उन्होंने बताया है ना कि जब नारीवाद का प्रचलन आया जब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया तो उसके बाद से ही औरतों में ये बात आई कि हम शादी के बाद अपना नाम परिवर्तन नहीं करेंगे चौथे में बोला है मंडू मनु भंडारी कौन है तो मंडू सॉरी मन्नू भंडारी एक लेखिका है और बहुत जानी मानी उपन्यास लेखिका है मन्नू भंडारी को काफ़ी महिलाओं के जब महिलाओं की बात होती है तो मन्नू भंडारी को जाना जाता है और इन्होंने अपना नाम लेखिका के तौर पर मन्नू स्वीकार किया ठीक है तो ये जानी मानी लेखिका हैं इसके बाद प्रश्न पाँच में आपसे बोला है शादी के बाद लड़कियों को अपना नाम बदल लेना चाहिए सोचिए और अपने विचार लिखिए कि शादी के बाद लड़कियों का नाम बदल लेना चाहिए आपके क्या विचार हैं मैंने अपने विचार एक लड़कियों के आधार पर लिखा है आप सभी सोचें थोड़ा सा इस बारे में जो भी लड़कियां हैं और जो लड़के हैं वो भी सोचें कि अगर उनकी वाइफ़ आगे चलकर आएंगी वो उनको नाम बदलना पड़े इस विचार को सोचें थोड़ा सा अगर आप लड़के हैं तो अगर आपको शादी के बाद नाम बदलना पड़ता तो आपको कैसा महसूस होता मैंने लिखा है शादी के बाद लड़कियों को अपना नाम बदल लेना चाहिए वर्तमान परिदृश्य में ये कथन तर्कसंगत नहीं होता है यानी आज की दृष्टि में आज की स्थिति में ये चीज़ सही नहीं है क्यों मेरे विचार में किसी व्यक्ति का नाम उसकी पहचान होती है कोई स्त्री जन्म से लेकर पूर्ण शिक्षा ग्रहण करने तक एक नाम से जानी जाती है आपको पता है जो नाम रख दिया जाता है जैसे आपका नाम है फॉर एग्जांपल पूजा शर्मा तो शर्मा जी पूजा शर्मा ऐसे कर, आपको पूरे पूरे जब तक आप पढ़ नहीं लेती आपको इसी नाम से जाना जाएगा आपकी एक पहचान बन जाती है आप आँख बंद करके भी कोई वो नाम बोलेगा तो आप फट से देखेंगे उसके सभी दस्तावेज उसी नाम से पहचाने जाते हैं ठीक है और जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे मैंने बताया कि आप दसवीं पक्ष कक्षा उत्तीर्ण करेंगे बारहवीं करेंगे तो आपके सभी दस्तावेज में वही नाम होगा आगे ग्रेजुएशन करेंगे मास्टरी करेंगे सब में वही नाम होगा शादी के पश्चात नाम बदल देने से उसे कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है कई बार जब आप नौकरी के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपका शादी के बाद सरनेम अगर बदल जाता है और दस्तावेज में कुछ और नाम होता है तो बोलते हैं कि भाई आपका तो नाम ही अलग है आप तो ये कैंडिडेट हो ही नहीं तो ऐसी स्थिति में नौकरी आदि में दस्तावेज मेल ना खाने से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है उसके आत्मविश्वास में भी कमी आ सकती है ठीक है कि शायद मैं नीचे हूँ हीन भावना आ सकती है कुछ स्त्रियों में महिला एवं पुरुष दोनों ही समान है फिर ऐसे में एक का नाम बदलना तर्कसंगत नहीं लगता ठीक है क्या पुरुष कभी शादी के बाद अपना सरनेम चेंज करते हैं तो महिलाओं के लिए ऐसी स्थिति क्यों तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए मैंने अपने विचार लिखे हैं आपके क्या विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा बदलना चाहिए या नहीं चाहिए वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को अपने टीचर्स के साथ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें जिससे और भी बच्चों की हेल्प हो सके मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में तब तक पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें